तो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अब जो है आज हम फिर घर जा रहे हैं श्रीनगर। तो पहले मैं आपको सामने के नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये सामने के गांव है, देखिए ब्यूटीफुल लग रहा है। धूप जो है काफ़ी तेज़ आ रखी है इस समय और गर्मी जो है काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी है। तो अब हम आज जो है घर जा रहे हैं और ये देखिए थोड़ा सा पैदल चलने के लिए है और ये पैदल वाला रास्ता है जो काफ़ी पतला रास्ता है। तो इस पैदल वाले रास्ते पे चल के जो है फिर रोड तक पहुंचते हैं और जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो चलते हैं गाइस फिर यहाँ से और मिलते हैं आपको फिर रोड पे। हे गाइस, तो जहाँ पे शादी थी वो सामने ये वाला मकान है, वो काफ़ी दूर हमने छोड़ दिया है। और बाकी गाँव जो है ये हैं गाइस, इसको बोलते हैं कोर्दी। तो यहाँ से निकलते हैं और अब जो है अध्ययन को लेने के लिए जो है उसका दोस्त आ चुका है। और ये देखिए ये पैदल वाला रास्ता है तो इसको क्रॉस करके जो है फिर पहुँचते हैं हम मेन रोड पे। तो गाइस अब हम जो है रोड पे पहुँच चुके हैं और ये जो है गांव की रोड है। बस इस पर केवल कटिंग हो रखी है, अभी जो है पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रखी है। तो बड़े बड़े पत्थर जो है रोड पर ही हैं और रोड भी काफ़ी पतली है, ऑफ रोडिंग है पूरा। तो ये गाड़ी सामने खड़ी है और अभी जो है टाइम हो रहा है दोस्तों लगभग 4:15 बज चुकी है। तो 4:15 बजे से निकल रहे, काफ़ी लेट हो चुकी है। तो निकलते हैं यहाँ से और गांव के कुछ जो है बच्चे यहाँ पे हमें छोड़ने आ रखे हैं। जो हमारा बैग बूग है वो जो है यही बच्चे लेके आए हैं। तो निकलते हैं यहाँ से फिर, सबको बाय कहते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं और ये रोड की हालत आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी पतली रोड है, ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और धूप जो है सामने चेहरे पे पड़ रही है एकदम से। गर्मी काफ़ी है इस समय और अभी जो है टाइम 4:30 हो चुकी है और हमको जो है यहाँ से देवप्रयाग पहुँचने में लगभग जो है 1.5 घंटा लगभग लगने वाला है। ज़्यादा भी लग सकता है अगर कहीं पर रुकेंगे, कहीं पर जो है खाना पीना खाएँगे या कहीं पर थोड़ा सा खाना, तो वैसे खा रखा है लेकिन अगर कहीं पर ब्रेकफास्ट अगर करेंगे तो ज़्यादा भी लग सकता है। तो निकलते हैं यहाँ से फिर और मिलते हैं आपको मेन रोड पे। Ice cold, but you're dressed like it's summer. Take your time while you wind on me. A bottle later, now it's time to leave. Girl, tell me how you're feeling. Is it me that you're needing? We can go. Let me see you get down, low, down, low. Tell me how you're feeling. Is it me that you're needing? We can go. Let me see you get down low. Pretty girl, hey, what's your number? तो गाइस गांव की रोड छोड़ के अब जो है हम मेन रोड पे आ चुके हैं और ये रोड है गज्जा पोखरी वाली रोड। तो यहाँ से सबसे पहले गज्जा आएगा, उसके बाद जो है पोखरी आएगा और उसके बाद तब आएगा दोस्तों देवप्रयाग। तो ये रोड जो है पतली है लेकिन पक्की रोड है और जो नीचे हमने गांव की रोड छोड़ी वो हालांकि थोड़ा पक्की थी लेकिन वहाँ पे ऑफ रोडिंग ज़्यादा था क्योंकि गड्ढे ज़्यादा थे। तो अब इसी रोड पे जो है हमें बने रहना है लगभग 1 या 1.25 घंटा तक। तो चलते हैं फिर और यहाँ से अब जो है गज आएगा। तो गाइस अब टाइम हो चुका है 6 और अब जो है हम लसेर पहुंच चुके हैं। गजे और पोखरी हमने छोड़ दिया है, मैं वहां पे सूट नहीं किया मैंने। तो अब हम जो है लसेर पहुंच चुके हैं और लसेर पहुंचने के बाद जो है अब आएगा देवप्रयाग। तो ये सामने आप चुके जो मार्केट दिख रहा है गाइस, ये है लसेर का मार्केट जहाँ से जो है रणकोट एक गाँव है वहाँ के लिए रोड कटती है।
और मार्केट भी जो है अब धीरे धीरे बंद होने लग गया है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। तो गाइज़ अब हम जो है देवप्रयाग के मेन रोड पे आ चुके हैं। देवप्रयाग हमने क्रॉस कर दिया है और अब जो है पूरा अंधेरा हो चुका है। लगभग जो है 6:30 या 7:45 बज चुकी हैं, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है अब। तो अब यहाँ से जो है हमको आधा घंटा और लगने वाला है घर पहुँचने में, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो गाइस फाइनली जो है कीर्तिनगर पहुंचने वाले हैं। लगभग जो है 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कीर्तिनगर। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहता हूं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। तो वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।